हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो कल हम लोग देखेंगे 6 जून को बैंक निफ्टी के कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स रहेंगे और कहाँ से अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी हम लोग डेली कैंडल पे है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो पिछले 5 दिन का लो था, वो जो रेंज में था बैंक निफ्टी, उसका लो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। उसके नीचे अपने को क्लोजिंग मिल गया, जो कि 35,275 पे अपने को क्लोजिंग मिला है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हो तो एकदम टॉप के लेवल से 36,000 के लेवल से वहाँ पे सेलिंग आया और एकदम बहुत ही बड़ा बियरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना है, जो कि इंडिकेट करता है बियरिश सिग्नल। तो यहाँ पे हम लोग को देखना रहेगा, अगर कल 35,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो अपने को 34,500 का लेवल भी इंट्राडे में अपने को देखने मिल सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे और प्रीवियस डे जो हम लोग का ट्रेड लिया था हम लोग ने, उसके पीछे का लॉजिक भी देखेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं एक छोटा सा गिव अवे प्लान कर रहा हूँ, जो प्रीमियम मेंबरशिप है उसका। तो एंड में मैं बताऊंगा कि गिव अवे के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और आप कैसे आप प्रीमियम मेंबरशिप फॉर अ मंथ फ्री आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी लाइक एक्सपायरी के दिन पूरा रेंज में यहाँ पे घूम रहा था, ये पूरा एक रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा था। तो मैंने जो प्रीमियम चैनल था उसमें ऑलरेडी मैंने बोला था कि अगर ये रेंज के बाहर ब्रेकआउट निकलता है तो अपने को कोई भी एक साइड ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ही ऊपर, जो अपना 35,900 के अराउंड बैंक निफ्टी ओपन हो गया। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रीमियम चैनल में बोला था कि बहुत ही अच्छे लेवल पर ओपन हो रहा है, 36,000 के लेवल को अगर गया तो ब्रेक करके बाहर भी निकल जाएगा। 36,150 और 36,275 के अपने को टारगेट देखने मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था कि पहला अगर बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा 5 मिनट्स का, तो ही हम लोग बाइंग साइड जाएंगे, जो कि मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दिया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पे रेड कैंडल बना था और मैंने यहाँ पे ये लेवल पे एक कॉल बाय करने भी दिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि एक टाइप ऑफ सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से 36,000 की साइड बैंक निफ्टी थोड़ा सा जा सकता है। तो यहाँ पे वो लेवल भी मेंटेन नहीं किया था और मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे भी ट्रिगर हुआ था, और ये लेवल पे भी एक मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने जनरल ग्रुप में भी दिया था कॉल बाय करने के लिए, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल था ये। तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा था कि अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा 36,000 के लेवल को, लेकिन वहाँ पे भी सस्टेन किया नहीं और यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट मिल गया। तो यहाँ पे भी मेरा ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो ऑलमोस्ट मेरा 11-12 बजे तक ऑलमोस्ट मैं अच्छा खासा लॉस में चल रहा था। लेकिन मेरे को पता था कि अगर बैंक निफ्टी, मैंने ऑलरेडी बोला था कि 35,555 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो अपने को अच्छे खासा सेलिंग मिल सकता है। तो यहाँ पे जब भी पहली बार आया रिटेस्ट करने के बाद, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से रिटेस्ट करने के बाद अपने को अच्छा खासा यहाँ पे सेल मिला था। और ये लेवल ऑलरेडी बहुत बार रिटेस्ट हो चुका था, तो यहाँ पे सस्टेन करने का चांसेस बहुत ही कम था कि 35,400 को तो सस्टेन करेगा ही नहीं। मेरा टारगेट था 35,300 का टारगेट था, जब भी वहाँ पे पहुँचा तो मैंने एग्जिट कर दिया। ये हो गया लाइक प्रीवियस डे के एनालिसिस, कि हम लोग का जो लॉजिक था ट्रेड के बिहाइंड वो सब मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए। तो अभी कल हम लोग के व्यू यही रहेगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे और अगर ये लेवल को निकलता है 35,175 का जो लो था प्रीवियस डे का, 35,150 के पास जाता है, 35,000 का लेवल और 34,850 के लेवल अपने को डाउन साइड देखने मिल सकते हैं। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर पहली बियरिश कैंडल दिखता है तो यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हो। पहला अपना टारगेट रहेगा 35,200 का, जो कि अगर बैंक निफ्टी 35,500 और 400 के बीच में कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग ट्रेड के लिए वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। हम लोग बाइंग साइड तभी देखेंगे जब तक कि ये लेवल को बैंक निफ्टी फिर से निकालता नहीं है। 35,700 के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार निकलेगा, उसके बाद ही हम लोग को अच्छा टारगेट मिल सकता है। और 35,700 को निकालने के बाद 36,000 के लेवल भी अपने को देखने मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो गिव अवे में प्लान कर रहा हूँ, गिव अवे प्रीमियम मेंबरशिप का कुछ ऐसा रहेगा कि आपको नेक्स्ट डे का, मतलब कल बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा, मेंशन इन द कमेंट डाउन बिलो कि आपका, अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 35,600 पे ओपन होगा तो कमेंट में लिखो कि 35,600 पे ओपन होगा। 20 पॉइंट्स आपका 620 तक भी ओपन हो गया, 35,620 के अंदर, या फिर 35,580 के ऊपर भी ओपन हो गया तो आप एलिजिबल हो जाओगे और आपको प्रीमियम मेंबरशिप फॉर अ मंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गिव अवे, और कमेंट वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी रहेगा मैं आपको चैनल पे भी बता दूंगा जो भी विनर रहेगा। तो कल के लिए है, देखते आगे कैसे चलता है, तो लेट्स सी और ऑल द बेस्ट। कमेंट डाउन बिलो कि बैंक निफ्टी कल कहाँ पे ओपन होगा, टेल मी द एग्जैक्ट प्राइस। ओके, सो आई होप वीडियो में से कुछ ना कुछ आपको प्राइस एक्शन और एनालिसिस भी देखने मिला रहेगा, सीखने मिला रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।